जिलाधीश मंडल के तत्वावधान में महर्षि दधीचि जयंती के उपलक्ष्य पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण ध्यान रखते हुए कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा दधीचि आश्रम में जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा के सानिध्य में मृत्यु भोज बंद करने का संकल्प लेकर शपथ ली गई। कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि महर्षि दधीचि उद्यान में फिरुलाल दादीज व सुबोध कंठ के संयोजन में पूजा अर्चना की गई। एम दधीमती मंदिर में दादी समाज न्यास अध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा एवं राजेंद्र व्यास के संयोजन में पूजा अर्चना की गई। संरक्षक विश्वेश्वर तिवारी के मुख्य अतिथि में महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष कला कुदाल के संयोजन में पौधारोपण कर उसकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा, कार्यकारी जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष चमनालाल जोशी, ओम प्रकाश, मुकेश ओझा, ओम मिश्रा, गोपी कृष्ण पाटोदिया, अनिल आचार्य, चंद्र प्रकाश शर्मा, कैलाश आचार्य, घनश्याम शर्मा, रतिरंजन शर्मा, राजेंद्र जोशी, ओम प्रकाश व्यास, राजेश तिवारी, कमलेश आचार्य, राजेंद्र आचार्य, ओम जोशी, वीरेंद्र शर्मा, गणपत दादी, सुनील जोशी, सत्यनारायण जोशी एवं महिला सदस्य रेखा कुदाल उपस्थित थी। भीलवाड़ा सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दधीमती सेवा समिति के तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान महोत्सव का आयोजन महर्षि दधीचि जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। समिति के राजेश तिवारी ने बताया कि कोविड महामारी के चलते महात्मा गांधी चिकित्सालय ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान में भाग लेकर 31 यूनिट रक्त संग्रहित कराया। शिविर में समिति के पीयूष पाटोदिया, राजेंद्र दादीज, कुश आचार्य, संजय शर्मा, कुलदीप जोशी, रवि व्यास, अभिषेक तिवारी, सुनील शर्मा, राहुल शर्मा, वीरेंद्र व्यास, देवेंद्र शर्मा, कमलेश आचार्य, दीपक तिवारी, अनुराग शर्मा, आदित्य ओझा आदि सदस्यों ने रक्तदान किया। अंत में समिति के कैलाश आचार्य ने सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व फल देकर आभार ज्ञापित किया। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पर्युषण पर्व दिगंबर जैन समाज अपने घर पर हर्षोल्लास के साथ धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं। इस महामारी के कारण मंदिर में सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होने के कारण ऋषभ नव युवक मंडल चंद्रशेखर आजाद नगर के सदस्यों ने ऑनलाइन धार्मिक प्रोग्राम कराने का निर्णय लिया। मंडल के सदस्य पंकज गोधा, कालो शाह, नीरज छाबड़ा, अमित गदिया, अमित बाखलीवाल, अनिल गोधा ने बताया कि 25 अगस्त को धार्मिक भजन प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। 27 अगस्त को विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता, 28 अगस्त को रंगोली विद फैमिली फोटो प्रतियोगिता, 30 अगस्त को धार्मिक तंबोला, 31 अगस्त को नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। भीलवाड़ा शहर के आरसी व्यास कॉलोनी में रात 2:30 बजे गांत लगाए बैठे चोरों ने एटीएम कार्ड के सही चौकीदार के भी पैसे निकाल लिए। बिल्डिंग में कार्य चलने के कारण लाइट के तार लगे हुए थे, उनको भी चोरों ने काट दिया। यह सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सीसीटीवी फुटेज में चोर 2 बोरे भरकर ले जाते हुए नजर आए। चौकीदार गोविंद सिंह ने बताया कि आरसी व्यास कॉलोनी में चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है और कई जगह चोरियां हो रही हैं। सुभाष नगर थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखाई गई। बुधवार को प्रातः औषधीय पौधे व छायादार पौधों का रोपण पूषा निवास पर किया गया। कार्यक्रम प्रभारी भारत मान सिंह ने बताया कि वर्तमान कोरोना काल में नीम गिलोय प्रत्येक मानव के लिए दैनिक दिनचर्या में उपयोग लाने हेतु अति आवश्यक है। इसके लिए सभी को आगे आकर कम से कम हर घर में एक नीम गिलोय का पौधा और तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस अवसर पर भूपेंद्र मोगरा, सुरेश बम, भारत मान सिंह, लवकुश काबरा, सुनील तोशनीवाल, मृदुला मान सिंह, रिद्धिमा मान सिंह, बागवान बाबूलाल आदि उपस्थित थे। भीलवाड़ा शास्त्री नगर में कावाखेड़ा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में बुधवार को महर्षि दधीचि जयंती एवं राधाष्टमी साथ साथ मनाई गई। मंदिर प्रवक्ता रजनीकांत आचार्य ने बताया कि सर्वप्रथम सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार पूर्ण विधि विधान से महर्षि दधीचि एवं राधा कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर श्याम सुंदर भट्ट ने महर्षि दधीचि के जीवन पर बोलते हुए कहा कि समाज हित में उन्होंने जीते जी स्वयं की अस्थियां दान में देकर स्वयं को समाप्त कर समाज को जीवित रखा। रिजू झुनझुनवाला की मुहिम भी सपोर्ट कोरोना वॉरियर्स कार्यक्रम के तहत भीलवाड़ा के एसटीएससी कोर्ट में जज समेत उनके स्टाफ गणों का जवाहर फाउंडेशन द्वारा सम्मान किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना आपदा के कार्यकाल के दौरान सभी प्रशासनिक और कोर्ट परिसर के कार्य सुचारू रूप से चालू रहे। इस प्रक्रिया में काम करने वाले समस्त स्टाफ गण एवं वकीलों का सम्मान करने की प्रक्रिया के तहत बुधवार को जवाहर फाउंडेशन एवं पूर्वांचल जन चेतना समिति के द्वारा एसटीएससी कोर्ट परिसर में जज के समस्त कर्मचारियों का सम्मान किया गया।